हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल शेयर मार्केट विद सीके। हम बात करेंगे IRCTC की, जो इसके क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं, जो इसका बाइंग लेवल हैं, टारगेट्स हैं, चार्ट एनालिसिस, सारी कुछ की बात करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, कृपया कर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो हमें मोटिवेट करता है, और अपनी क्वायरीज कमेंट में लिखना ना भूलें, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप अपने जो भी डाउट्स हैं, क्वायरीज हैं, सारी कुछ कमेंट में लिख के भेजिए, हम आपको तुरंत रिप्लाई करते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी शेयर मार्केट विद सी के नाम से बना हुआ है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने रिसेंटली आज ही बनाया हुआ है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं रेगुलर मॉर्निंग की अपडेट्स देता हूँ, और जो भी मेरे वीडियोज़ वगैरह या फिर जो भी बाइंग लेवल्स रहते हैं आपके लिए, वो मैं तुरंत आपको उसमें डालता हूँ। तो आइए हम देखते हैं इस IRCTC के बारे में आगे बात करते हैं। देखिए, इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं, उसमें साफ साफ आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, नेट प्रॉफिट जंप्स 79% टू ₹150.6 करोड़, अनाउंस डिविडेंड ऑफ ₹2.50 पर शेयर। तो इनने जो शानदार डिविडेंड अनाउंस किया है 2.50 पर शेयर का, और जो प्रॉफिट जंप्स, नेट प्रॉफिट कितना जंप किया 79% का। अगर हम लास्ट क्वार्टर के मुकाबले अगर देखेंगे, तो इसमें गिरावट आई है, लेकिन ये YOY देखें, YOY मतलब ईयर ऑन ईयर जो पिछले साल से कंपेयर होता है, तो उसमें सही है इसका रिजल्ट्स। अगर हम बात करेंगे, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC का फुल फॉर्म है, ने शुक्रवार को मार्च तिमाही में नतीजे जारी किए। फिस्कल ईयर 2020 के चौथी तिमाही में IRCTC का मुनाफा पिछले साल के इसी तिमाही के मुकाबले 79%, ये लिखा हुआ है 79%, ये देखिए 79% बढ़कर कितना हो गया है 150 करोड़ रुपए रहा है। इससे एक साल पहले कंपनी को 84 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था, पहले कंपनी को 84 करोड़ रुपये। हालाँकि तिमाही आधार पर IRCTC का मुनाफा 26.9% घटा है। तो तिमाही की बात करेंगे तो थोड़ा 26% घटा हुआ है, और जो पिछले ईयर के मुकाबले में देखेंगे तो कंपनी ने मुनाफा ही कमाया है। तो ये बहुत ही शानदार स्टॉक है, ये आपने देखा होगा जब से ये रजिस्टर्ड हुआ है, उसके बाद लगातार IPO आया था, उसके बाद लगातार ये ऊपर उठता ही गया है। जो IPO उसका 700-800 के आसपास आया था, ये उसके बाद लगातार आपको ग्रोथ में ही दिखा है, और अभी भी ये शानदार वैल्यूशंस पे मिल रहा है। जो इसके रिजल्ट्स हैं, जो इसका डिविडेंड है, वो बहुत ही ठीक डिविडेंड बहुत ही शानदार है। बाकी इसके रिजल्ट्स देखेंगे तो वो भी जैसे बाकी कंपनियों के रिजल्ट हैं, उससे ठीक ठाक है, और जो अभी आपको मिल रहा है नॉर्मल ठीक ठाक वैल्यूशन पे मिल रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ही गिरा हुआ मिल रहा है, गिरा हुआ नहीं स्टॉक है, बहुत ही सस्ता नहीं मिल रहा है, लेकिन ठीक ठाक वैल्यूशन पे मिल रहा है आपको। आप चाहें तो अभी भी बाय कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बोला मैंने। अगर हम देखिए इसके, अगर इंडस्ट्री की पी की बात करेंगे, तो देखिए ये आपको देख रही है 43.47 की, और ये आपको मिल रहा है 52 की पी पे, तो थोड़ा सा महंगा मिल रहा है ये आपको। अर्निंग पर शेयर देखेंगे 26 है इसका, और मार्केट कैप की बात करेंगे तो 22,000 करोड़ की, 22,415 करोड़ की मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड इतना 0.55 का है। और अगर डिलीवरीज की बात करेंगे, देखिए इसमें नॉर्मल 34% की डिलीवरीज हुई थी लास्ट डे ट्रेडिंग सेशन में। अगर हम इसके बात करेंगे उस डे की, तो देखिए 400 पे जाके ये क्लोज हो गया था, और इसने जो हाई लगाया था 1444 का लगाया था, लो लगाया था 1360 का। तो इस पे अगर आप बाय कर सकते हैं तो बाय कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। आप मिड टर्म के लिए बिल्कुल भी बाय नहीं कर सकते हैं कि मिड कैप कंपनी है, लो रिस्क फैक्टर है। इंडियन रेलवे आपने देखा ही होगा लगातार, और जिसकी जो ई टिकटिंग सुविधा है वो सबसे शानदार है, ई टिकटिंग के लिए जाना जाता है, और यही सबसे बेनिफिशियल है इसके लिए। अगर हम बात करेंगे इसके 1 ईयर के चार्ट पढ़ने के, देखिए 92% के शानदार रिटर्न्स दिए हैं। तो ये 5 ईयर्स का चार्ट दिखाएगा नहीं, क्योंकि ये रिसेंटली ही रजिस्टर्ड हुआ है स्टॉक एक्सचेंज में। अगर हम बात करेंगे, लो लगाया था 625 का लगाया था, और हाई लगाया था 1994 का। तो कई लोगों ने तो 994 पे निकाल भी दिया, क्योंकि इसमें ज़्यादातर अपर सर्किट लोअर सर्किट लगते हैं, इसमें स्टॉक बहुत ही कम है, वॉल्यूम जो इसकी क्वांटिटी है बहुत कम है, जिसकी वजह से अपर सर्किट लोअर सर्किट जल्दी जल्दी लगते हैं। अभी देखा होगा आपने अपर सर्किट लग रहे थे लगातार, और लोअर सर्किट फिर जब गिरता है तो लगातार लोअर सर्किट लगने लगते हैं। अगर हम इसके फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करेंगे, तो देखिए दोस्तों फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार आपको बढ़ते हुए दिख रहा है, और यहाँ पे तो अच्छा खासा उछाल दिखा है आपको। अगर हम बात करेंगे इसके प्रॉफिटेबिलिटी की, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी लगातार आपको ग्रोथ में ही दिख रही होगी, दोनों सही हैं। अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे, तो शानदार 87-88% की
प्रमोटर होल्डिंग्स है, और FIIs की बात करेंगे तो 1.70, डोमेस्टिक की 2.25 और म्यूचुअल फंड्स की 2.05। अदर पार्टीज़ के लिए जो हमारे लिए है 8.65 है। ये अगर हम बात करेंगे इसके डिलीवरीज़ की, देखिए उस दिन जो डिलीवरीज ट्रेड हुई थी वो 15% हुई थी, ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है इस प्राइस पे, क्योंकि जिनने खरीद रखा था वो बहुत ही नीचे लोगों ने खरीद रखा है, अब वो वेट कर रहे हैं इसका थोड़ा सा और गिरने का। तो अगर आपको ये अभी खरीदना है तो लॉन्ग टर्म के अप्रोच से खरीद सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना है थोड़ा वेट कीजिए, इसके जो नीचे के सपोर्ट्स हैं 1300 समथिंग के और 1200 के, वो सपोर्ट्स बहुत ही खास हैं, वो आपको अच्छी खासी ग्रोथ देंगे आगे फ्यूचर में। अगर हम बात करेंगे इसके चार्ट पैटर्न की, देखिए ये यहाँ से देखिए आपको देख रहा होगा ज़्यादातर ये अपर सर्किट्स देख रहे होंगे, फिर इसके बाद जब ये उठता है देखिए अपर सर्किट, फिर गिरता है तो लोअर सर्किट, तो ये ज़्यादातर इसमें क्वांटिटी कम होने की वजह से अपर सर्किट लोअर सर्किट लगते रहते हैं, इसलिए ज़्यादा मुझे उतना खासा पसंद नहीं है, लेकिन बहुत ही शानदार स्टॉक है ये। देखेंगे तो लॉन्ग टर्म के अप्रोच देखेंगे तो बहुत ही शानदार है, इसको बहुत नीचे बाय किया हो तो मैंने, और जब ये 1900 के आसपास गया था तब मैंने इसमें सेलिंग भी कर दी थी, मैंने फिर इसको बेच दिया था। अभी ये मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है और मैंने इसको पहले ही बेच चुका था जब ये 1900 के आसपास गया था, तो उसके बाद मैं निकल गया था। उसके बाद ये मैं इसका करीब 1200-1250 का वेट कर रहा हूँ, अगर मुझे उस वैल्यूएशन पे मिलेगा तो फिर मैं उसमें इसमें ज़रूर बाइंग करूँगा। और जिसके MACD की बात करेंगे तो देखिए ये भी बिल्कुल क्रॉस होने पे जा रहा है। अगर हम बात करेंगे इसके बॉलिंजर पैटर्न की, तो बॉलिंजर बैंड में देखिए ये यहाँ पे नीचे की ओर अगर एक कैंडल और बनाता है तो, और देखिए ये जो मेन जो इसमें सबसे खास बात है इसके जो चार्ट पैटर्न में, देखिए ये यहाँ से आता है 20 डे, रेड लाइन जो शो हो रही है वो 20 डे मूविंग एवरेज है, ठीक है 20 डे मूविंग एवरेज भी ये जाता है 20 डे मूविंग एवरेज, फिर आप वापस लौट जाता है, फिर जाता है, फिर वापस लौट जाता है, देखिए हर बार 20 डे के आसपास जाके फिर ये वापस लौट जाता है। अभी ये मेन पैरामीटर 20 डे मूविंग एवरेज पर खड़ा हुआ है, और जो इसने एक यहाँ पर शानदार पैटर्न बनाया हुआ है, देखिए ये यहाँ पर आपको देख रहा होगा, ये एक ट्रेंड लाइन अपन ड्रॉ करना चाहें तो ये देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो सकती है। ये ट्रेंड लाइन आपको शो करती है कि अगर ये यहाँ से इसको ब्रेक करता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, अगर एक यहाँ पे एक ये रेड कैंडल बनाता है इस टाइप से, तो ये यहाँ से रॉकेट भी हो सकता है, भाग सकता है, 1500 के आसपास आपको जाता हुआ नजर आएगा, ठीक है, तो यहाँ से रॉकेट भी हो सकता है अगर ये इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है, अगर ये 20 डे मूविंग एवरेज को नीचे के साइड क्रॉस करता है। ये जो 20 डे मूविंग एवरेज आपको दिख रही, ओ 20 डे मूविंग एवरेज आपको ये दिख रही है नीचे रेड कलर की, उसको अगर ब्रेक करता है तो फिर इसमें अच्छा खासा फॉल भी आ सकता है, और फॉल आने के बाद आपको ये जो इसके लेबल्स हैं, देखिए एक ये लेबल है यहाँ पे, ये 1200 के आसपास ये आपको अच्छी खासी वैल्यू पे, अच्छी खासी बाइंग पे मिल जाएगा। एक ये यहाँ पे एक सपोर्ट है इसका, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं 1297 के आसपास सपोर्ट है इसका, और इसके बाद 1200, तो ये आपके अच्छे खासे लेवल्स हो सकते हैं। आप चाहें तो अभी भी इसमें बाइंग कर सकते हैं, लेकिन वो रहेगी अप्रोच लॉन्ग टर्म के लिए, आप समझ रहे हैं इस बात को, और आप अपना एनालिसिस खुद करिए, आप इसको देख सकते हैं खुद से। अगर हम इसके देखिए आवरली चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो देखिए आवरली चार्ट पैटर्न में ये आपको उतना खासा कुछ खास नज़र नहीं आ रहा होगा, तो अभी इसमें थोड़ा वेट कीजिए मेरे हिसाब से। अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो थोड़ा सा ले सकते हैं, लेकिन आप वेट भी कर सकते हैं, अगर आप में पेशेंस है तो वेट कीजिए, और इसको आराम से आप 1300 के आसपास थोड़ी बाय कीजिए, अगर उससे नीचे जाता है तो फिर आप अच्छी खासी बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो हमें मोटिवेट करता है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें जो हमने अभी अभी रिसेंटली बनाया, उसमें मैं मॉर्निंग अपडेट्स देता हूं, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स, जो भी शेयर मार्केट में कुछ भी हलचल होती है तो मैं सारी कुछ आपको वहां पे इन्फॉर्मेशन देता हूं, आपको बिल्कुल ताज़ा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और सारे वीडियोज़ की लिंक वहां पे मिलती है। आपको कभी भी कोई भी मार्केट आवर के बीच में बाइंग लेवल आएगा, या फिर कुछ भी मार्केट आवर के बीच में भी अगर कोई न्यूज़ आएगी स्टॉक रिलेटेड, तो आपको वो तुरंत वहां पे प्रोवाइड की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। कृपया कर हमें कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।